हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर। और जैसे कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आज की क्लास भी वैसे ही स्टार्ट होगी। आप लोग के सुबह सुबह मैसेज आ गए, बहुत बढ़िया। तो कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा जी, देखिए सोनिया जी जुड़ चुकी है। हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक है, कॉमर्स लाइफ। हेलो सोनिया, गुड मॉर्निंग। अजय सिंह राठौर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एकदम मजे में, मस्त। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले चलिए थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आर या पार की सीरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिसमें हम आपके लिए सैंपल पेपर्स भी लेकर आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आए। अब हम आपके लिए लेकर आए एमसीक्यूज। तो आज की एमसीक्यू क्लास किसके ऊपर बेटा? आज की एमसीक्यू क्लास है स्टाफिंग के ऊपर। और स्टाफिंग की जब हम बात कर लेते हैं तो स्टाफिंग किसमें आता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। कितनी प्लानिंग कर लो, कितनी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, ठीक है, पर अगर बंदा ढंग का नहीं है, अगर कर्म का नहीं है, काम का नहीं है, तो भैया बेड़ा गर्क होना निश्चित है, कितने ही प्लानिंग कर लो। फिर आप समझ में आ गई बात? तो स्टाफिंग किसी भी कंपनी को कहां तक पहुंचा सकता है? टॉप तक पहुंचा सकता है। और गलत स्टाफिंग कहां पहुंचा सकता है? वापिस शटडाउन पोजीशन पे पहुंचा सकता है। तो दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका रहेगा चैप्टर नंबर 6। पहले 5 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट कवर किया। फिर हमने दो क्लास कंबाइन करके प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, जो कल हमारी क्लास कंप्लीट हुई थी, आज स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कंबाइन होकर आपके सामने आएगी, क्योंकि कंट्रोलिंग इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, तो जिसमें इंपॉर्टेंट है वही पार्ट हम आपके लेके आएंगे। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा, फिर आपकी मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो लास्ट 3 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे, फिर आपका आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 12 चैप्टर आपका होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपकी स्टार्ट कब हुई थी बेटा क्लास, आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी 14th of February को। ठीक है, तो 14th February को हमने क्या बोला था कि जुड़े रहिए, चिंता मत करिए, ठीक है, जो बाकी चीज़ें बाद में कवर कर सकते हैं, अभी हमारे लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और जैसे कि 24th को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा है सबसे पहला पेपर आपका? सबसे पहला पेपर है सर 24th को इंग्लिश। तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चा आप लोगों की? बढ़िया, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो, बढ़िया, अच्छी तरह कॉन्फिडेंस। तो जैसे बोलते हैं सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है एग्जाम हॉल में जाके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हम अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। 15th को हो गई, 16th को हो गई क्लास आपकी, 17th कल भी हो गई क्लास आपकी, और आज जो है 18th है BST इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, और कल जो है सेल्फ स्टडी का डे है, संडे है, सेल्फ स्टडी है। तो सेल्फ स्टडी में क्या करना है आप लोगों को? आराम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, पर साथ में जो माइंड है उसको रिलैक्स भी देना है। अगर आपको मूवीज देखना अच्छा तो मूवी देखिए, अगर आपको सॉन्ग सुनने पसंद है सॉन्ग सुनिए, तो एक टाइम जरूर खुद के लिए निकालिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि दिन भर कीड़ों की तरह पढ़ो, कीड़ों की तरह नहीं पढ़ना बेटा, जितना देर पढ़ो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, बाहरी दुनिया के ख्याल को छोड़ के पढ़ो, वो सफिशिएंट होगा। तो अब देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो सोनिया गुड मॉर्निंग बेटा, अजय सिंह राठौर हम बोल चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? कॉमर्स लाइफ, यस सर। लक्ष्य अरोड़ा गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? रोशन वेरी गुड मॉर्निंग। सुधा वर्मा हेलो, हाउ आर यू? आई एम बहुत बढ़िया, एकदम मजे में। और आज तो जैसे आप जानते हैं शिवरात्रि का है, तो क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हर हर महादेव बोल के स्टार्ट करेंगे हम अपना। आयुषी तांबी हेलो, कैसे हो आप बेटा? चलिए जी, तो स्टार्ट करते फिर हम अपनी क्लास। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे स्टाफिंग को। तो स्टाफिंग जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो साथ ही साथ स्टाफिंग चैप्टर को भी हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, हम वापस से 1.5 मिनट का एडजस्टमेंट रखेंगे, 1.5 मिनट्स, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने, और ये थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ मैं, जिससे आप लोग को आराम से दिख सके। सो क्लास स्टार्ट करते हैं बोल के हर हर महादेव। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? बहुत ही बढ़िया बात पूछिए पहले क्वेश्चन के अंदर। स्टाफिंग प्रोसेस का वो कौन सा प्रोसेस है भैया, जो क्या करता है, पोटेंशियल एम्प्लॉइज को सर्च करने का काम करता है, फिर उनको इनकरेज करता है, परसुएट भी करता है, भैया इस कंपनी में आके अप्लाई करिए, क्योंकि आपकी जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप आओगे तो कंपनी का बुलबाला हो जाएगा।
चिंटू जी, जय जय शिव शंभु, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मेरी तरफ से। यहाँ पे दक्ष अरोड़ा ने भी जवाब दिया, कॉमर्स लाइफ ने भी जवाब दिया। सर ये जो है उसका आंसर है रिक्रूटमेंट। जी बहुत ही सही, रिक्रूटमेंट ही इसका आंसर है। सबसे पहला क्या प्रोसेस का स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिवाइज मॉडलिंग ऑफ लेबर से एस्टिमेटिंग, दैट इज मैन पावर प्लानिंग कर लेना। मैन पावर प्लानिंग में सबसे पहला क्या आता है बेटा, वर्कलोड, वर्क एनालिसिस हमारा आ जाता है। वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कम लोग हैं तो भैया रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर दीजिए, रुकिए मत 1% भी, ठीक है। रिक्रूटमेंट, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है बेटा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क, इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फ्रॉम व्हिच द बेस्ट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, दैट इज रिक्रूटमेंट। ओके चलिए जी आगे, नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, खुशी का जवाब, रिक्रूटमेंट, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट मेजर्स क्या करता है। अब आगे टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में, जहां पे हम पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट टेस्ट, ये सब टेस्ट सेलेक्ट चेक किया जाता है। तो इंटरेस्ट टेस्ट क्या मेजर करता है आपका, या एक्चुअल स्किल मेजर करता है क्या? नहीं सर, एक्चुअल स्किल तो नहीं मेजर करता। पोटेंशियल स्किल्स टू बी अक्वायर्ड, सर ये किसी और की बात कर रहा है। चलिए जी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन, क्या ये बात कर रहा है? हाँ सर, यही बात कर रहा है कि वो कितना उसका जो इन्वॉल्व है किसी जॉब को लेके, क्या वो इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या वो चीजें कर सकता है नहीं कर सकता, इंटरेस्ट है या नहीं है बंदे का। कोई होता है ना यार कर लेंगे यार, अभी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मींस उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो करना चाहता है सिर्फ काम कि पैसा मिल जाए, मींस उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। सो आंसर विल बी, दक्ष अरोड़ा ने दे दिया था गरेना ग्रुप ओपी ए बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जांपल आंसर होंगे ये। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यू कैन गो, अशिका जैन भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, वेरी गुड बेटा। खुशी, रिटायर्ड, रिक्रूटमेंट हो चुका हमारा, वेरी गुड, सही जवाब। कॉमर्स लाइफ का 2 का सी आंसर, वेरी गुड बेटा। गरेना ग्रुप का सी आंसर, अशिका जैन का सी आंसर, दक्ष अरोड़ा का सी आंसर, खुशी का सी आंसर। तो जब इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं तो फिर तो आंसर सी ही होगा, तो इसका आंसर क्या है बेटा, सी है, ठीक है। सो इंटरेस्ट टेस्ट आपके इस बारे में बात करता है, क्लियर। तो ये देखिए, इस चैप्टर में आपका एक इंटरेस्ट टेस्ट जो होता है, सिलेक्शन टेस्ट, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, स्टेप उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात करते हैं तो अगली डायरेक्टिंग चैप्टर की बात होगी वो, पर इन दो, इस चैप्टर में ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, देखिए प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अप्रोजल, प्रमोशन एंड करियर, और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट। तो मैंने बोला चलिए एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, अगर बच्चों को क्लैरिटी है हर एक वर्ड को लेकर तो वो उसका आंसर दे देंगे, मतलब बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो मैच करना आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से, बताइए इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा है। मैं पीछे खड़ा हूँ, आप लोग को बताना है, मैं पीछे खड़ा हूँ, आप लोग को बताना है। चलिए जी बढ़ाइए, तो पहला बोला प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, इसके लिए क्या होगा बेटा, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, या एम्प्लॉइज ऑक्यूपाइज द पोस्ट एंड गेट्स द फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, सही लिख रहा है मेरे को तो, ये सही लग रहा है, आप बताइएगा। परफॉर्मेंस अप्रोजल, अप्रेजल की बात करते हैं, सर्च प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉइज नहीं दिख रहा, इंप्लॉइज परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड, ये मेरे को सही दिख रहा है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ये अपॉर्चुनिटी होती है, और रिक्रूटमेंट जो होता है, सर्च फॉर अ प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉइज। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया 2, 4, तो मैं 2, 4 देख लेता हूँ, तो 2, 4 दिख गया मुझे, आप बताइए आंसर क्या है। हार्डी साहब जुड़ गए हैं, वेल वेरी गुड हार्डी साहब, आ गए आप आंसर बताने के लिए। इन्होंने बोला बी है सर आंसर, कॉमर्स लाइफ का बी आंसर आ चुका है, गरेना ग्रुप का भी आंसर बी आ चुका है, बहुत बहुत सही। तो ये हो गया आपका बी आंसर, दैट इज 2nd, 4th, 1st and 3rd, इज इट क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट को लेकर तो पूछ सकता है। अशिका जैन का भी आंसर आ गया, चलिए जी, आज बच्चे थोड़े कम जुड़े, क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़े से बिजी होंगे, फंक्शन होता है घर में आज शिवरात्रि वगैरह चक्करों में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, भाई जिस तरह की क्वालिटी प्रोडक्शन हो रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे मजा नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स वर नॉट फुल्ली नॉलेजेबल अबाउट हाउ टू मशीनरी शुड बी यूज। तो जब इन्वेस्टिगेशन पता करा कि भैया क्वालिटी क्यों नहीं मैच कर पा रही, तो उन्हें बोला कि भैया एक देखने को मिल रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो नॉलेजेबल नहीं है, मशीनरी समझ में नहीं आ रही उनके। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इनहांस द एक्यूरेसी, क्या स्टेप लेना चाहिए कंपनी को एक्यूरेसी को इनहांस करने के लिए, जरा बताइए।
जी भाई देखते हैं, फोर्थ का कॉमर्स लाइफ का आंसर आया है सर, ट्रेनिंग कोमल वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, चलिए जी। दक्ष का भी आंसर आ गया सर, फोर्थ इज आंसर, हार्डी का भी आंसर आ गया, ए इज आंसर, गरीना ग्रुप का भी आंसर आ गया है, असी का भी आंसर आ गया है, सब ने बोला सर ट्रेनिंग की कमी है। भैया सही तो है, आपने बंदों को रख तो लिया, काम कर लो। अरे काम कैसे कर लो, सिखाओ तो सही उस मशीन पे काम कैसे करते हैं, मशीन को यूज कैसे करते हैं, वो सिखाए बिना तो कैसे करोगे, नहीं करोगे तो क्वालिटी खराब आनी है, तो ट्रेनिंग देनी अगलों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। जी सेजल जी आई नहीं पर इनका नाम जरूर आ गया आज। चलिए जी, सेजल लिमिटेड मेड द डिसीजन टू स्विच टू अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन न्यू टैलेंट। ओके, नए टैलेंट लेकर आना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्विच किया उन्होंने फंक्शनल पे। वी चूज टू अपॉइंट फोर डिस्टिंक्ट हेड फॉर सेल्स अकाउंट्स परचेज एंड प्रोडक्शन फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। बाहर से लेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो रहा है, समझ में आ गया। It issues an advertisement and after taking different selection exams, shortlists the 30 applicants for each position. Determine which step Sejal को अब कौन सा, Sejal Limited को अब कौन सा step follow करना है भैया? क्या क्या हो चुका है? इसने advertisement issue किया और selection exams भी हो चुके हैं, shortlist 30 बंदों को कर लिया गया है। अब अगला step क्या होगा? Interview होगा, preliminary screening होगा, reference background check होगा या selection decision होगा? कौन बताएगा इसका answer? गरीना गुप बोल रही है सर ए होगा, दक्ष भी बोल रहा है ए होगा सर, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। तो हम अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, कौन बताएगा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है क्या? बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है। चले बात करते हैं इस पर लेके अपन, क्योंकि अपने को सब चीजें क्लियर हो जानी चैप्टर की। अशिका जैन वेरी गुड बेटा, सही जवाब है आपका, द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ओके, सो आंसर विल बी द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले स्टेप कहां से स्टार्ट होता है, कौन बताएगा इस बारे में, कौन इंफॉर्मेशन देगा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है सबसे पहले, वेरी गुड बेटा। उसके बाद क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट कर लेते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर सिलेक्शन मेडिकल डिसीजंस, जॉब एंड सिलेक्शन डिसीजंस होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, और फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स होते हैं। चलिए जी आगे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। द फंडामेंटल डिटेल्स दैट नीड टू बी मेंशनड आर द पोजीशन टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, पे रेट्स, बोनस, वर्किंग आवर्स, लीव पॉलिसीज एंड ग्रीवेंसेस प्रोसीजर। तो ये डिटेल किसके अंदर दी जाती है सारी? अटेस्टेशन फॉर्म, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में दी जाती है। किसमें दी जाती है बेटा, बताइए? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए, फटाफट आंसर आने दीजिए। चलिए जी आराम से, आपके सामने स्क्रीन बड़ी कर दी है हमने, मेरे को पता है सबको आंसर आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। FFRD वेरी गुड बेटा, सी दक्ष अरोरा सी बोल चुके हैं, कॉमर्स लाइफ बी बोल रहे हैं, जॉब ऑफर। चलिए जी देखते हैं, दक्ष अरोरा बी बोल रहा है, ठीक है देखेंगे। कॉमर्स लाइफ ने जॉब ऑफर के लिए बोला, दक्ष ने भी बी के लिए बोला, कॉमर्स लाइफ बी बोल रहा है, और देखते हैं, गरीना ग्रुप ने भी बी बोला है। ओहो चलिए जी, और कौन बताएगा? देखिए बेटा जॉब ऑफर क्या होता है, जॉब ऑफर के अंदर आपको लीव्स वगैरह की डिटेल मिलती है क्या? ग्रीवेंसेस प्रोसीजर मिल जाते हैं जॉब ऑफर के अंदर? सोच लीजिए एक बार, जॉब ऑफर बताते हैं सर हम इतना पे करेंगे, आपको इस तारीख से ज्वाइन करना है, क्या आप वो एक्सेप्ट करते हो क्या ऑफर? ये होता है जॉब ऑफर। तो जॉब ऑफर के अंदर इतनी डिटेल नहीं दी जाती, पढ़िए जरा किसके अंदर आता है ये बात। रूपाली सिंगल भी बी बोल रही है, हेलो रूपाली कैसे हैं आप? गरीना ग्रुप वापिस सोचिए एक बार, क्वेश्चन को वापिस पढ़िए, आपके सामने है फंडामेंटल डिटेल्स दैट नीड टू बी मेंशनड आर दी पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, जॉब ऑफर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है क्या, देख लेना, ड्यूटीज, पे रेट्स, बोनसेस के बारे में जॉब ऑफर में आता है क्या, देखना, वर्किंग आवर्स और लीव पॉलिसीज के बारे में। अगर ये सब जॉब ऑफर में ही दे देंगे तो फिर इंडक्शन में क्या करेंगे, घूमेंगे? इंडक्शन ओरिएंटेशन में क्या करेंगे,
तो आंसर जो है डेट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अच्छी बात है, गलती हो सकती है, पर आंसर जो होगा बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। जॉब ऑफर में कभी आपको ग्रीवेंसेस प्रोसीजर के बारे में बताते हैं क्या? लड़ाई हो जाए, कोई बुरा लगे तो क्या बताना, आप उसको जाके कंप्लेन कर देना। अरे जॉब ऑफर तो होता है, हम ये पे करेंगे, क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो? उसके बाद जिस दिन आप जाते हो उस दिन आपसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है, तब आपको बताते हैं कितनी लीव्स वगैरह मिलेगी, लीव्स का प्रोसीजर क्या रहेगा, ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या रहेगा, बोनसेस कितने मिलेंगे, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ये सब चीजें जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? उज्जवल सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए क्लियर है पॉइंट, कोई बात नहीं। कॉमर्स लाइफ क्लियर है बेटा? गरेना ग्रुप ओपी इज इट क्लियर? रूपाली सिंगल इज इट क्लियर टू यू? चलिए जी मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सॉरी 7, 13 कहां से आ गया? एंड एनालिसिस दैट रिवील्स द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल शब्दों में पूछा है कि एनालाइज जो बताता है भैया नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, ठीक है? तो उसके अंदर दो होती है, एक वर्कफोर्स होती है, एक वर्कलोड होता है। इसी में से आंसर है। अब इसमें से आंसर कौन सा है? यस, कॉमर्स लाइफ वेरी गुड बेटा। जॉब ऑफर इज ओनली द कंफर्मेशन लेटर, दैट्स व्हाई इट नॉट इंक्लूडिंग दैट। ठीक है, सेवन का सर ने बोला, सब ने बोला ए है, हार्डी ने, गरीना, अक्षिना, सब ने बोला दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस। सही है कि हमारे पास एग्जैक्टली अभी कितने लोग हैं, दैट इज वर्क फोर्स। तो वर्कलोड क्या बोलता है, कितने होने चाहिए, जितना काम है हमारा कंपनी का उसके हिसाब से कितने लोग होने चाहिए। वर्कफोर्स बोलता है कितने हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं, कम मिलते हैं, तो फिर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। डैश इन्वॉल्व नॉट जस्ट दोज एक्शन विच इंक्रीज जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच हेल्प पर्सन इन द पाथ टूवर्ड्स द मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेसिटी। क्या वो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है या डेवलपमेंट है भैया, कौन है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक आता है ना, उसमें ट्रेनिंग को अलग एक्सप्लेन करते हैं, डेवलपमेंट को अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो अब ये तो पता है इसमें या इसमें है, 50-50 मैंने आपके लिए कर दिया है, KBC चल रहा है हमारा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए थोड़ा सा। कॉमर्स लाइफ का आंसर आ चुका है सर, इट विल बी ए। आयुषी जी का आंसर आया ए होगा सर, ठीक, हाँ सही बोला हार्डी आपने। वर्कफोर्स कितने हैं एम्प्लॉइज, वर्कलोड कितने चाहिए एम्प्लॉइज, हार्डी का भी आंसर आ चुका है, दक्ष अरोड़ा का भी आंसर आ चुका है, कॉमर्स लाइफ का भी आंसर आ चुका है, गरेना का भी आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, इट इज डेवलपमेंट। ठीक है, कई बच्चे ट्रेनिंग लिखेंगे पर ट्रेनिंग इसका नहीं होता क्योंकि आपको मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ज्यादा डेवलपमेंट। भाई ट्रेनिंग तो एक वाइड स्कोप नहीं होता, ट्रेनिंग एक नैरो स्कोप होता है, टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, उस पर काम कैसे करना है आपको, अभी करंट जो आपकी जॉब पोजीशन उसके लिए ट्रेनिंग होती है। डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, वाइडर होता है, जो आपके करियर पाथ को डिनोट करता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टाफिंग। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग सबको पता है, एक छोटा सा मैंने बीच में एक अलग सा डाल दिया है, पर आप मेरे को बताना जो नहीं है वो किसके लिए। फिर employee satisfaction, developing skills in employees, suitable division of work among employees and efficient use of human resources. Hulk Legend, hello beta, aaj late kaise ho gaye aane ke andar, bahut late ho gaye, question to kitne aage chalege dekhiye, aaj hum no question 9th question tak pahunch gaye, koi baat nahi, chaliye इसका आंसर दीजिए। हल्क ने बोला सर इसका आंसर डी होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है। एफ आर डी ने डी बोला है, हल्क ने डी बोला है, कॉमर्स लाइफ ने सी बोला है, गरीना ग्रुप ने डी बोला है, और किसके आंसर बच गए, रूपाली सिंगल, अभी तक आपका जवाब नहीं आया, हम चाहते हैं आप लगातार जवाब दीजिए। फीचर है, एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस फीचर है सर। कॉमर्स लाइफ बोल रहा है सर 9 का सी है। बेटा इंपॉर्टेंस अगर आप चेक करें, मैं अभी चाहूंगा कि आप अपने अभी बुक्स को ओपन करें एक बार स्टाफिंग वाले को, और उसमें इंपॉर्टेंस को कैलकुलेट करें, जो आपको नहीं दिखेगा वो सी नहीं दिखेगा।
मैं ये मानता हूँ, आप देखिए जरा। दक्ष ने भी वही बोला है, हल्कन भी वही बोला है, मोहिदीन वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग, इन्होंने ए बोला है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, बेटा ये तो इम्पोर्टेंस है ही, एचआर काम ही यही कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो तभी तो वो काम करेगा, तो ये चीज़ तो इसमें काउंट ही नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंस अगर आप देखोगे तो पहले दो पन्ने पे ही आपको स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस मिल जाएंगे, वहाँ चेक कर लीजिए। ठीक है, आ गया हार्डी, समझ में आ गया। चलिए कोई नहीं, सॉरी बोलने की दरकार नहीं बेटा। देखिए, यू शुड बी सॉरी, मैं एक टीचर हूँ आपके लिए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चा गलती करे। एक टीचर हमेशा ये चाहेगा, क्यों चाहेगा कि देखिए, एक बोलते हैं कि अगर आप सारे जवाब सही दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है, और एक टीचर का हमेशा यही होता है कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज भी करें। अब आप क्या होगा, अगली बार ये क्वेश्चन जब आएगा ना ऐसा, आपको हमेशा कंफर्म रहेगा कि इसका आंसर क्या है। बेटा हम चाहते हैं ये चीज, तो सॉरी नहीं होना चाहिए, हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने आंसर देने का कोशिश किया। ठीक है, गलती होगी तो आपके दिमाग में अगली बार गलती नहीं होगी, तो आंसर विल बी सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सही बात है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है सर, सी, वेरी गुड बेटा, एकदम सही, डिवीजन ऑफ वर्क कर रहा है ना वो सुटेबल एम्प्लॉयज के हिसाब से, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 10, इन डैश एग्जिस्टिंग स्टाफ इज यूज्ड टू फिल अप द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा कर देता हूं। इन डैश एग्जिस्टिंग स्टाफ इज यूज्ड टू फिल अप द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा बेटा जी? कहाँ चले गए सर? अच्छा, नीचे आ गए, मैं ऊपर चला गया। ओके, कॉमर्स लाइफ सुटेबल डिवीजन ऑफ वर्क सर, कॉमर्स लाइफ का आंसर है सर सी होगा। दक्ष अरोरा सी बोल रहे हैं, हल्क लीजन बी बोल रहे हैं, ट्रांसफर, ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। और देखिए, रूपाली सिंगल सी बोल रही है, ओके, हल्क ने बी बोला है, चेक करेंगे अभी बाकी सबके आंसर आ जाने दे दो बेटा। कॉमर्स लाइफ सर सी, इंटरनल रिक्रूटमेंट है, वेरी गुड बेटा, हाँ ये इंटरनल रिक्रूटमेंट का पार्ट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट किस किस तरह से होता है सोचिए जनाब, हल्क आप सोचिए बेटा, किस किस तरह से इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है? क्या प्रमोशन नहीं हो सकता, नीचे था उसको प्रमोट कर दिया, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया? तो इंटरनल रिक्रूटमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, प्रमोशन मतलब वर्टिकल मूवमेंट हो गया, और ये अपना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया ट्रांसफर को लेकर। भाई ट्रांसफर में क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, स्टेटस में कोई फर्क नहीं आता। प्रमोशन में आपका स्टेटस भी बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, सो दैट्स वाई दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब को फिल कर सकते हो, दैट्स वाई द आंसर विल बी सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछते हैं, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ स्टाफ कौन सा तरीका होता है, प्रमोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ स्टाफ कौन सा तरीका होता है, इंटरनल के अंदर ट्रांसफर होता है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। चलिए जी, एक ही क्वेश्चन से हमने तीन क्वेश्चन का जवाब देखा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत सारे हैं सर, हाँ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बहुत सारे हैं बेटा, यस सर, इट विल बी सी बिकॉज प्रमोशन इज देयर, वेरी गुड बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 11th क्वेश्चन मैंने हटा दिया था क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्स था, तो मैंने देखा अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके जब CUT एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी तब उस क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे आपके लिए। ये आरोही जी के लिए आ गए, अच्छा ये दक्ष अरोरा के ऊपर बनाया भाई मैंने क्वेश्चन, दक्ष जी आज प्रेजेंट है। चलिए जी, दक्ष जी आप ही जवाब दीजिए क्योंकि आप ही की बात हो रही है, आप चेयरमैन हो दक्ष जी इसमें अंदर। तो आरोही यूनिवर्सिटी किसने स्टैब्लिश की? दक्ष अरोरा ने, जो कि चेयरमैन है अरोरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। टू ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई इन्होंने यूनिवर्सिटी जो ओपन करी उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को, मतलब बीकॉम और एमकॉम वगैरह एमबीए वगैरह इनके लिए। इनका एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है अरोरा पावर्स लिमिटेड, एंड हैड ए फ्यू वैकेंसी रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटीज, मतलब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। द कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज HR डिपार्टमेंट, ठीक है बेटा, इसको सिंपल फॉर्म में HR डिपार्टमेंट, मेड द डिसीजन टू हायर रिसेंट इंजीनियर्स ग्रेजुएट फ्रॉम आरोही यूनिवर्सिटी फॉर द पोजिशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दक्ष अरोरा जी चेयरमैन हैं, अब दक्ष अरोरा जी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसी में बात हो रही है भाई साहब,
तो दक्ष रोहन जी ने आंसर दे भी दिया, सर हाँ भाई हमारी यूनिवर्सिटी तो हम कैसे आंसर नहीं देंगे, फटाफट देंगे। तो इन्होंने 12 है बेटा, 11 नहीं है क्योंकि 11th क्वेश्चन में डिलीट कर दिया था, इट विल बी 12। ठीक है, बहुत सही है। तो सभी का आंसर सही है, इट विल बी कैंपस रिक्रूटमेंट, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, इनका खुद का डिवीजन है और ये सोच रहे हैं कि भाई जो न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया उन्होंने, उन्हीं को डायरेक्टली हम हायर करेंगे कहां से, कॉलेज से। तो जो भी चीज कॉलेज से हायर होगी वो क्या कहलाएगी, कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाएगी। इज इट क्लियर, चले आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं हम। वेरी गुड दक्ष, कॉमर्स, अशिका, हल्क, रूपाली, बहुत सही, आप लोग सही जवाब देते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय सिक्योरिटी एजेंट्स लिमिटेड, दे पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर लुकिंग फॉर गाइस टू फिल अप द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड हु इज ट्रस्टवर्दी एंड मेंटेन कस्टमर प्राइवेसी। तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को ढूंढ रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी हो, मतलब भरोसेमंद हो, और साथ ही साथ जो भी प्राइवेसी कस्टमर की उनको कभी लीक आउट नहीं करे। आफ्टर रिसीविंग 75 एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एजेंट्स लिमिटेड नैरोड द फील्ड टू 10। 75 एप्लीकेशन आई तो उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ, 10 लोगों पे आके रुक गए। उन्होंने नेसेसरी टेस्टिंग भी कर ली, मतलब सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी कर लिया। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एजेंट लिमिटेड शुड डू नेक्स्ट, कौन सा नेक्स्ट स्टेप उनको फॉलो करना पड़ेगा। कॉमर्स लाइफ पूजा से 11 क्यों डिलीट किया, बेटा वो जो था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग उसमें था आपका ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब था ना, तो आपके जॉब जो होते हैं ना ऑफ द जॉब वाली बात, तो ऑफ द जॉब के अंदर अब आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही रह गई है, उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन केस स्टडीज वाली बातें अब आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हम जो CUT का लेके आएंगे तब मैं जरूर आपको उसमें लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन को समझाने के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं क्या है। ठीक है, दैट्स वाई वो मैंने डिलीट किया था। फिर कई बच्चे होंगे ना जो उनको लगता है सर यार ये हमारे कोर्स में नहीं है, दैट्स वाई इट वॉज। अगर आप चाहोगे तो आप जैसे टेलीग्राम में जुड़ोगे तो वो क्वेश्चन पर्सनली मैं आपको सेंड कर दूंगा उसके अंदर, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ओके बेटा, तो 13 का सी बोला है, दैट इज रेफरेंस इन बैकग्राउंड चेक बोला कॉमर्स लाइफ ने, हार्डी ने भी वही बोला है। ठीक है, हल्क लीजेंड रेफरेंस इन बैकग्राउंड चेक, 13 सी रूपाली सिंह सबका आंसर सही है, तो मेरा भी सही है, दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा इसके बाद। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टाफिंग के जो बेसिक आपके क्वेश्चंस बनेंगे MCQs के अंदर, वो आपके बनेंगे इसमें से, सिलेक्शन टेस्ट को लेके बनेंगे, एक सिलेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन भी लेके आएंगे अभी अपन, है ना, तो सिलेक्शन टेस्ट को लेके बनेंगे, साथ ही साथ आपके ये बनेंगे कि भैया स्टेप प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और प्रोसेस के ऊपर मैं मानता हूँ कई बार आपके जो है क्या बोलते हैं केस स्टडी आ सकता है, केस स्टडी के साथ आपके 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि अगले 2 स्टेप्स को एक्सप्लेन कीजिए, ये आ सकता है आपके, ये मेरा मानना है। रवि टेक बिल्डर्स, तो आज रवि जी भी नहीं आए पर रवि जी का नाम आ गया यहां पे। रवि टेक बिल्डर्स हैज टू प्रोवाइड द फ्लैट्स टू इट्स बायर फॉर पोजेशन ऑन अ शेड्यूल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया हमने जो फ्लैट्स बनाए हैं पोजेशन देना टाइम पे बायर्स को, बोला ठीक है। एज ए रिजल्ट द वर्कलोड सडनली इंक्रीजेस, तो आपको फ्लैट्स बायर्स को टाइम पे देने इस चक्कर में जो आपका काम का लोड है वो बढ़ गया। एज ए रिजल्ट द बिजनेस मस्ट क्विकली अरेंज फॉर पर्सनल टू वर्क एट द साइट्स, तो उनको हाथों हाथ बंदे चाहिए काम करने के लिए। द कंपनी पोटेंशियल सोर्स ऑफ हायरिंग टू फिल द टेम्पररी पोजीशन, तो कंपनी की कौन सी या कंपनी कौन से पोटेंशियल सोर्स को यूज करेगी, दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। 14 का बी बोल रहे हैं, कॉमर्स लाइफ भी 14 का बी बोल रहा है, FFRD भी बी बोल रहा है। 14 कॉमर्स लाइफ ने चेंज कर दिया अपना आंसर, सर इट विल बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। चलिए और देखते हैं, रूपाली सिंगल ने भी बोला सर ए होगा। चलिए जी, कोई नहीं, देखते हैं और किस किस के जवाब रह गए। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो वर्कर्स चाहिए हमें काम करने के लिए ना, वर्कर्स चाहिए तो एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो हम जो अच्छे पोस्ट होते हैं, हाई पोस्ट होते हैं, उनको भरने के लिए करते हैं। अब वर्कर्स ये लेबर्स ये काम करने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट करोगे फिर छपेगा, फिर लोग आएंगे, इंटरव्यू थोड़ी लेना आप लोगों का, वहाँ पे काम करना, लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर्स आर्किटेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हमें। तो इट्स वाई कौन सा यूज करेंगी बेटा कंपनी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, गेट के बाहर पर्चा लगा देगी भैया 50 वर्कर चाहिए। ठीक है, तो 50 वर्कर चाहिए, वहां पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कंपनी बोले चलिए आइए फटाफट आइए काम करिए चलिए, तो दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पे होता है। ठीक है,
चलिए जी कोई बात नहीं, साइट्स को वेबसाइट समझ लिया था, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। चलिए जी, पर हम इसको बोल सकते हैं समझते, ऑब्वियसली कि बिल्डर्स है प्रोवाइड द फ्लैट टू इज बायर, एज ए रिजल्ट वर्कलोड सडनली इंक्रीजेस। अब वर्कलोड तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वर्कर्स के लिए ही होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्टरनेट के साथ लाया हूं आपके लिए मैं। स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस नाउ डेज ड्यू टू, क्यों भाई साहब बताइए जरा। या फिर डैश मींस डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन, दोनों के आंसर अलग हैं, बताइए। आराम से पढ़िए, कोई लोड नहीं है आज, आराम से टाइम हमारे पास सही टाइम से चल रहे हैं हम। फिफ्टीन का डी आएगा, सही है, एफ आर डी फिफ्टीन का डी है, हल क्लीजन फिफ्टीन का डी है, कॉमर्स लाइफ फिफ्टीन का डी है, तो दोनों इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव, ऑब्वियसली बात है। क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है दिन बर दिन, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है ह्यूमन बींग का, तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है। स्टाफिंग इसलिए बहुत, एच आर डिपार्टमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी स्टाफिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, डैश मीन्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, तो इसका तो बड़ा ही सिंपल आंसर है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट दो होते हैं, वर्क फोर्स एंड वर्कलोड, तो यहाँ पे कौन सी बात करेगा, नहीं यहाँ पे बात करेगा इसकी, मैन पावर प्लानिंग की, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चेक करने के लिए, डैश मीन्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, सबसे बेस्ट यहाँ पे मैन पावर ही अवेलेबल है, दोनों ही केस में डी विल बी द आंसर, इज इट क्लियर। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हार्डी साहब आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया। हार्डी साहब जो है एक चीफ इंजीनियर है, अब सर मैं तो कॉमर्स ले रखा हूँ, इंजीनियर कैसे बन गया, अरे कोई बात नहीं, मान लीजिए बन गए, ठीक है। इन अ डायमंड ज्वेलरी कंपनी यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड डायमंड कटिंग मशीन एंड इक्विपमेंट्स वांट्स दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी फुल्ली ट्रेंड बिफोर यूजिंग दिस मशीन एंड इक्विपमेंट, तो हार्डी साहब कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे भैया। कॉमर्स लाइफ का आंसर आ चुका है सर, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखिए अब जो कॉमर्स लाइफ पूछ रहे हैं बेटा, पहले ये चीजें अवेलेबल थी, कंप्यूटर मॉडलिंग प्रोग्रामिंग केस स्टडीज भी हुआ करती थी, ठीक है। अब जो एक ही तरह का रह गया, दैट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब मेथड में, कि दूर जाके एक ऐसा अपन क्या बना देंगे, मशीन बना देंगे, ऐसा इन्वायरमेंट दे देंगे, तो आरडी साहब इसको यूज करेंगे सी, दैट विल बी द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसलिए मैंने 11th क्वेश्चन हटाया था, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो इसके ऊपर था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। अरे आज तो जिन जिन का नाम इस्तेमाल किया वो आए नहीं यार, क्या बात है, आज विवेक जी का भी नाम इस्तेमाल किया, विवेक जी भी नहीं आए। चलिए, वाटर गीजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विवेक एंटरप्राइजेस, विवेक सिंह जी उधर है हमारे साथ। प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द कंपनी फोर प्राइमरी फंक्शनल एरियाज, ठीक है, ये चार फंक्शनल एरियाज हैं कंपनी के। द बिजनेस चूज टू एक्सपेंड इट्स वर्कफोर्स एज दे नीड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज, तो बिजनेस ने बोला कि भाई साहब हमें वर्कफोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। डिसाइडेड ऑन द आइडिया दैट विल असिस्ट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मतलब एचआर डिपार्टमेंट की जो मैनेजर है उनको क्या मदद करेगा, दैट प्रिसाइज नंबर ऑफ पीपल नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, कौन सा यूज करेगी बेटा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो 17 का बी, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस, क्लियर, इट विल बी वर्कलोड एनालिसिस, एवरीवन इज क्लियर, सबको समझ में आ चुका है ये आंसर। एमराज आ चुके हैं, सर ये एमसीक्यू सीरीज का प्लेलिस्ट में एग्जाम के पहले देख के जाऊंगा, इसमें से आएगा एमसीक्यू जरूर बेटा, आराम से ये बनाए इसीलिए हमने आपके लिए। देखिए कई बार बच्चों को लगता है सर इतने इजी क्वेश्चन, अरे बेटा अब क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे ही आएंगे, इसको हम थोड़ी बदल देंगे, और ज़्यादा हार्ड देने का कोई मतलब नहीं है, कोई हमें वो चीज़ तो साबित नहीं करनी ना यहाँ पे कि भैया ऐसा कोई चीज़ बना दिया जो चीज़ हो, अब एग्जाम में ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं हो एग्जाम से, उस चीज़ को देने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर में से और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को मैं आपके लिए क्या करता हूँ, वापस उसी इर्द गिर्द में एक दो क्वेश्चन और बनाता हूँ कि जिससे आपको ये याद रहेगा, ठीक है, कि ये इस टाइप के क्वेश्चन और इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं,
चलिए ये आ गया आपके लिए भैया इमेज वाली। अब इस इमेज को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर इमेज को समझा देता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये कोई कॉलेज है ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ था वो, क्योंकि इमेज एक्सटेंड हो गई तो वो डिवाइड हो गया। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ स्टाफिंग इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर इन विच विप्रो लिमिटेड इज टेकिंग इंटरव्यूज। कौन सा मेथड यूज किया गया बेटा बताइए। हाँ जी सही बात है बेटा, वर्कलोड एनालिसिस को यूज करेंगे। चलिए वेरी गुड। 18 का सबने बोला सर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सोच लीजिए किसने क्या बोला, ये बी पक्का कॉलेज है, कॉलेज में क्या लगाओगे मैनेजर। भाई विप्रो लिमिटेड यूज कर रही है, इलस्ट्रेटेड इन पिक्चर इन विच विप्रो लिमिटेड इज टेकिंग इंटरव्यू। विप्रो लिमिटेड इंटरव्यू ले रही है, प्लेसमेंट एजेंसी में लेगी विप्रो लिमिटेड, सोचिए। हाँ अब आया ना जवाब, अब आया सही, एकदम सही। पवन शर्मा सही है बेटा, कॉमर्स सही है बेटा। अशिका हेलो सर, हेलो पवन कैसे हो बेटा आप। चलिए जी, तो आपको हमारे वीडियोस देखे होंगे पवन, तो कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है। आंसर विल बी द कैंपस रिक्रूटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे जब आप, अगर मैं इसको लिखता भी नहीं हूँ तो ऑब्वियसली आप समझिए विप्रो लिमिटेड जा रहा है किसी कहीं पे जाके ले रहा है, तो ऑब्वियसली किसी कॉलेज में जाके ले रहा है। दैट मींस ये क्या है, क्योंकि जब आपको एग्जाम मिलेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसका नाम लिखा होगा, सम कॉलेज लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो भाई कॉलेज में जाके ले रहा है, तो क्या कर रहा है वो कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहा है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये आ गया आपका, स्टेप को रटाने का तरीका। द स्टेप इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर गिवन बिलो। अब आप बताओगे इसका आंसर, मैं रीड भी नहीं करूंगा आपके लिए अब, चलिए क्योंकि स्टेप आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ भी देता हूँ, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, गलत बात। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। क्या इसका सही प्रोसीजर या प्रोसेस रहेगा, स्टेप वाइज बता दीजिए। दक्ष अरोड़ा बोला था सर 19 का डी आएगा। अच्छा ठीक है देखते हैं, अभी आराम से पढ़िए क्वेश्चन को आप। पवन ने बोला सर यस, अच्छा रहा कंटेंट, थैंक यू सो मच पवन। आपके सामने है बताइए जरा, आराम से, कोई लोड नहीं है, आराम से देखिए। देखिए भाई इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ऑफ डिफरेंट सोर्स ठीक है, कहाँ से आप, कहाँ से लेबर सप्लाई या फिर इम्प्लॉइज को ले सकते हो, फिर उसकी वैलिडिटी को असेस करोगे कि भाई अच्छा ही है या नहीं है, फालतू उसको चूज कर ले, इसमें से अच्छे लोग नहीं मिलते यार, ये जो कंसल्टेंसी एजेंसी है या जो है ये ढंग के लोग प्रोवाइड नहीं करता, हटा इसको हटा, पैसे बहुत चार्ज करता, अच्छे नहीं होते। फिर उसके बाद आप करोगे चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, तो ये तो वही हो गया ना, ऑल्टरनेटिव देखना, फिर उसकी वैलिडिटी को चेक करना, मतलब असेस करना ऑल्टरनेट सोर्सेज को, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर उसमें से सबसे बेस्ट को चूज करना, फिर उसको अप्लाई कर देना, मतलब प्लानिंग प्रोसेस को समझ में आ गया। तो सेम इन दिस केस द आंसर विल बी 2, 3, 1, 4 सही है, 2, 3, 1, 4 नहीं सॉरी हाँ 2, 3, 1, 4 हाँ यही तो है डी, द आंसर विल बी डी। सही दिया आपने जवाब बेटा। सर बिजनेस का पेपर में अच्छा गैप मिला है, मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं है पर अच्छा ले आऊँगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, अच्छा गैप मिला है, यू कैन कंप्लीट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी आपको मोइन मोटिव होना चाहिए, जो आपका करंट पेपर है उस पर मोटिव रखिए, फिर आपको 24 से लेकर 17 तक काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है, उसमें आप उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट को कीजिए जो आपके थोड़े से वीक हो गए हैं ठीक है। और फिर एक टाइम सिनेरियो बनाइए कि चलिए काम करते हैं, 17 से हमारा पेपर है तो उसका 5 दिन पहले सिर्फ उसी पेपर को पढ़ेंगे, बाकी पेपर्स को हम नहीं पढ़ेंगे,
तो यू हैव अ टाइम, देन उसके बाद आपके पास बीएसटी एंड देन आपके पास स्ट्रेस है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के पास। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं, इसी बात पे आइए। डैश इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू या ओरिएंटेशन, क्या होगा? अगर ये चार ऑप्शन नहीं मिलते तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या हो सकती थी, पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20th का, 20 का सी, 19 का डी, हल्क लीजन सही है बेटा, पवन शर्मा सही है आपका जवाब 19th का, 20 का सी बोल रहे हैं, कॉमर्स लाइफ, बाकी सब भी अपनी जवाब दे, हार्डी साहब भी बोल चुके हैं सर इट विल बी इंटरव्यू, वेरी गुड वेरी गुड, हल्क लीजेंड इज गुड, और आन दीजिए आंसर, दक्ष अरोड़ा भी इसका 20, दैट इज सी। तो ये होता है इन डेप्थ जानने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए भैया। तो देखो रिटर्न टेस्ट तो अलग चीज़ है, वो तो आपका नॉलेज है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट तो अलग होता है, तो रिटर्न टेस्ट में तो भैया उसका नॉलेज जो है वो बात करता है, पर उसका नेचर क्या है, उसके इमोशन, उसके वैल्यूज़ क्या है, वो अपन कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड, अपन बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में बहुत डिटेल में क्या कर सकते हैं, कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि वो हमारी कंपनी के लिए सही है या नहीं है, साथ ही साथ जिस जॉब के लिए ले रहे हैं वो भी सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 ये लीजिए, अब ये भी लेके आ गया मैं आपके लिए, हर एक टॉपिक को मैच करिए भैया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए बोल रहा है, कैजुअल वर्कर क्या है, एडवर्टाइजमेंट किसको बोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसको बोल रहा है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, आराम से देखिए, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। चलिए जी बताइए आंसर, 20 का सी बहुत सही, सभी का जवाब एकदम सही है। वेट कर रहे हैं सबका, 21 का सी बोला है कॉमर्स लाइफ ने, पवन ने भी सी बोला है, अशिका जैन तो 20 का बोल रही है, अभी 21 का बाकी है, हल्क लीजेंड ने भी 21 का सी बोला है, दक्ष अरोड़ा ने भी सी बोला है, हार्डी ने भी सी बोला है, लेट्स सी अगेन, और कौन कौन बचा है हमारे पास, रूपाली का मैसेज, राज का मैसेज बचा हुआ है, अशिका जैन का मैसेज आ गया, क्या आ गया है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो आंसर देख लेते हैं, सी कैसे है भैया, 3 बोला है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज अ जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द, नहीं ये थोड़ी है 3, हाँ यही तो है, जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट सिलेक्शन, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सही है इसका 1 का 3 हो गया बेटा। फिर इसने बोला कि भैया 1 है कैजुअल का, अ लिस्ट ऑफ जॉब सीकर इज प्रिपेयर्ड, ये कौन होते बेटा, ऑब्वियसली जैसे कि कंपनी की वैकेंसी अलाउड नहीं होती, पर क्योंकि किसी को जॉब की जरूरत है, मान लीजिए वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके पूछता है सर यहाँ पे जॉब अवेलेबल है क्या, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर बोलते हैं सर अभी हमारे पास जॉब नहीं है, जैसे वैकेंसी को तब फोन कर लेंगे, तो आप अपना रिज्यूमे यहां पे रख के चल जाइए, तो वो रिज्यूमे इकट्ठा हो जाता है, उसको फेंकते नहीं है कंपनी वाले, उसको डाटाबेस बना लेते हैं कि जब भी ऐसी कोई वैकेंसी मिलेगी तो डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, उनको कॉल कर लेंगे, पहले पूछ लेंगे, ठीक है। तो उनका कॉस्ट मनी एफर्ट सब बच जाता है, ठीक है। फिर आता है 4th, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसीज आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और ट्रेड, वेरी गुड सही है जवाब। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प टू मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, इज इट क्लियर? चलिए जी तो आंसर हो गया सी, बहुत ही उमदा सही खेल रहे हैं सब आज, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू द पर्सन इमोशंस रिएक्शन मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम, लीजिए आ गया आपके लिए, ये कंफ्यूजिंग होते हैं हमेशा, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये जो होते हैं ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं बच्चे को, ठीक है, कई बार बच्चा इसमें मात खा जाता है, तो इसका आपको अच्छा ज्यादा क्या होना चाहिए, एकदम कमांड होना चाहिए इसके ऊपर, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, 22 का बी बता दिया है, किसने बताया है, कॉमर्स लाइफ ने बताया, हार्डी ने बता दिया है, पवन का आंसर 21 सी का आ गया था, ठीक है बेटा वेरी गुड सही जवाब था आपका, दक्ष ने बता दिया, हल्क ने बता दिया, वेरी गुड, और कोई बताना चाहता है, वेट करें एक सेकंड के लिए, पवन का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। चलिए जी तो आंसर एकदम सही है, इट विल बी द पर्सनालिटी टेस्ट, वो क्या कर रहा है आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहा है कि भैया उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके रिएक्शन कैसे हैं, उसके मैच्योरिटी क्या है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है। तो हर एक टेस्ट का एक क्या होता है बेटा, एक
मोटिव होता है ना, उस मोटिव के पर्पस पे डिसाइड किया जाता है कि बंदा टिक सकता है नहीं सकता, या अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, या कंपनी में आके उत्पाद तो नहीं मचाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक की जाती है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 का बी बोला है, ठीक है, सही है। हाँ बेटा अशिका, वेरी गुड। ये लीजिए, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूरा बना दिया आपके लिए। यहाँ पे चारों चेक हो जाएंगे आपके, यहाँ पे चारों चेक हो जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या है। स्टाफिंग में से ज़्यादा घुमा फिरा के आंसर नहीं आते, स्टाफिंग से टू द पॉइंट क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही आसान बन जाते हैं, तो इसलिए तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके जाने से अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन लेके जाए जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बड़ा कर देता हूँ आराम से मैं आप लोग के लिए, आराम से देखिए, कोई लोड नहीं है। कॉमर्स लाइफ का आंसर आ गया सर, इट इज 23 का डी होगा, ठीक है। बाकी सबका भी आंसर आ जाने दीजिए। दो तो हम पढ़ चुके हैं, बाकी देख लेते फटाफट बोला जाएगा। मैं कॉमर्स लाइफ का आंसर चेंज हो गया, बी आ गया। चलिए और देखते हैं, अभी दक्ष अरोड़ा ने बी बोला है, चलिए देखते हैं सबका आंसर आ जाए फटाफट। पवन ने भी बी बोला है, चलिए चेक करते हैं अब इसको। बी सबने बोला है तो हम बी को चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट का बोला है सर फोर्थ है, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू डिसीजन एंड जजमेंट, सही है या नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट इसीलिए किया जाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए की जाती है, ठीक है। चलिए जी, लर्निंग एबिलिटी, चलिए एप्टीट्यूड टेस्ट अब देखते हैं। इसका आ गया वन, द मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। भैया आपके पास जो स्किल है वो तो ठीक है, पर जो हम नया सिखाना चाहते हैं या नया सीखना पड़ेगा, वो सीखने की ताकत है या नहीं है, वो कर सकते हो या नहीं कर सकते, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बोला है हमने टू, दैट इज प्रोवाइड क्लूज टू पर्सन इमोशंस रिएक्शन मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम, एकदम सही। और ट्रेट टेस्ट ऑब्वियसली बचा ही एक है, मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज प्रोफेंसी इन द एरिया। ट्रेट टेस्ट क्या करता है, जिसके लिए आए हो उसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, बाद में देखेंगे आप कितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, पहले ये देख ले जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो जिस जॉब पोजीशन के लिए उसके लिए आपके पास कितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द के, एक हमारे हैंडल यूजर है के, अब बेटा के तो बहुत ही अजीब सा नाम हुआ हैंडल यूजर पे, अपना नाम बता देंगे तो इट विल बी इजी फॉर मी। के ने बोला सर इसका डी होगा, 24 का डी का बेटा, 23 क्वेश्चन चल रहा है पहली बात तो, और डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अशिका जैन ने सही बताया बेटा, डक्स ने सही बताया, कॉमर्स लाइफ ने सही बताया है, बाकी सब एकदम बढ़िया बना रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो 23 का जो आंसर है डैट विल बी बी, क्या आंसर है, बी इसका आंसर है। चलिए जी, अब आज के दो क्वेश्चंस आपके लिए बचे हैं। पहला बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। अ कंपनी में रिसीव एप्लीकेशन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसीज, दीज अनसॉलिकेटेड एप्लीकेशन बिकम अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नोन एज, क्या बोलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले अपन ने, दो या तीन क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही किया अपन ने, अभी समझाया भी मैंने कि चल जाते हैं लोग बेचारे एप्लीकेशन लगा देते हैं, सर है क्या वैकेंसी, समझ में आ गई बात, ठीक है सर आती है बात समझ में, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा जी, बताएगा कौन हमें। ऑब्वियसली ये क्या बात कर रहा है बेटा, कैजुअल कॉलर को लेके बात कर रहा है, किसको लेके बात कर रहा है, कैजुअल कॉलर को लेके बात कर रहा है। दक्ष अरोड़ा ने सही बोला, कैजुअल कॉलर हार्डी साहब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अलग होता है, उसका मतलब होता है कि कंपनी पोस्ट कर देती है भैया आके यहाँ पे एप्लीकेशन दे, मतलब आइए और उसी दिन आपका सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, जहाँ उस समय अंदर क्या नहीं होता बेटा, कोई वैकेंसी नहीं होती, पर आप चल जाते हो भैया वो वैकेंसी है पूछने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कैजुअल कॉलर के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, 24 वाज द लास्ट, ये क्वेश्चन मेरे को एक बाद में मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का है, ऑर्गेनाइजिंग का, और ये चैप्टर जो है इसमें एक मेरे को इमेज मिली, इमेज वाली, दैट्स व्हाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पर आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए इसका। 25 का ये जो है ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर्स है आपके पास,
कौन चैप्टर से है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से है। ये सामने आपके इमेज है और ये देखा आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच में टेक प्लेस बिटवीन ए सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट, अ सबोर्डिनेट एंड सुपीरियर और अमंग द सेम कैडर ऑफ इंप्लॉइज और मैनेजर्स। क्या दिख रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल हॉरिजॉन्टल ए ग्रेपवाइन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने स्टाफिंग के अंदर इसको थोड़ा सा जोड़ दिया कि मैंने यार अब ऑर्गेनाइजिंग चला गया, कई बार सर्च होता है तो पता चलता है यार ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। बताइए जरा किस टाइप का लग रहा है, फॉर्मल लग रहा है, इनफॉर्मल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ग्रेपवाइन लग रहा है। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट, अ सबोर्डिनेट एंड सुपीरियर और अमंग द सेम कैडर, मतलब एक्चुअल लेवल पे ऑफ इंप्लॉइज और मैनेजर। क्या होगा इसका आंसर बताइए। 25 का सी, सबने बोला सर ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। क्या सही है सबका आंसर, सेम कैडर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। वेरी गुड बेटा, तो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए आपके लिए इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मजा आया। तो आज की क्लास में कितनों को मजा आया, देखिए ऑब्वियसली बात है स्टाफिंग के अंदर क्वेश्चंस इसी लेवल के बनते हैं, तो इसी लेवल का ला सकता था, इससे ज़्यादा लेवल थे नहीं क्वेश्चन के, बनाने का कोई मतलब लगता नहीं, अगर बनाते हैं तो अच्छा लगता भी नहीं, है ना। तो दैट्स वाई क्या आंसर होगा बेटा इसका, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, सबको समझ में आ गया। तो आज की क्लास कैसी रही, कितना समझ में आया, प्रोडक्टिव है या नहीं आप लोग के लिए बताइए जरा, कमेंट करिए। तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, अरे यार अगली क्लास और अच्छी लेके जाएंगे बच्चों के लिए हम। चलिए जी, कॉमर्स लाइफ ने बोला सर यू आर ग्रेट टीचर इन बीएससी सब्जेक्ट, थैंक यू सो मच। आपका ये जो कमेंट है दैट्स मींस अ लॉट टू मी बेटा, ठीक है, मींस ये लगता है कि यार हमने जो किया है वो आपको समझ में आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो दैट्स मींस एंड दिस कमेंट रियली मेक्स मी फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ, थैंक यू सो मच, वेरी प्रोडक्टिव सर। हॉरिजॉन्टल ग्रेपवाइन में डिफरेंस क्लियर कर दो, कर देंगे बेटा अभी, एंजॉयड सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच एवरी वन। दक्ष, अब देखिए हॉरिजॉन्टल जो है वो सेम कैडर पे होता है, ग्रेपवाइन में वो सेम कैडर नहीं होता, कैसे भी चीज़ कभी भी बातें हो जाती है, कोई लोड नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है कम्युनिकेशन, जिससे इच्छा है उससे जाके बात कर लो, दैट्स वाई ये एक प्रॉब्लम ये जो होती है, यहाँ पे सेम कैडर होता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई, क्लियर। तो ये एक बात होती है, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। कल की ऑफ है आपकी, सेल्फ स्टडी का ऑफ रहेगा, पढ़ना भी है, रिलैक्स भी करना है, आराम भी करना है। मंडे को फिर मिलेंगे, अब मिलेंगे हम डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मौसम थोड़ा बदल रहा है, ज़्यादा पंखे उनके मत चला लीजिएगा अभी, ठीक है, गर्म पानी पिए, मतलब नॉर्मल पानी, ठंडा पानी फ्रिज से मत पीजिएगा, गला बैठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे एग्जाम देना है और 24th को होगा, 22 को जरूर मिलूंगा, ऑल द बेस्ट जरूर कहूंगा आप लोग को, अच्छा पेपर आप लोग का जाए। अगली क्लास में मंडे को जब मिलेंगे तो कुछ मज़े इंटरेस्टिंग और नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।